भाजपा के संगठन पर्व के पहले चरण में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ सदस्यों का आंकड़ा पार किया था। सदस्यता अभियान के दूसरे चरण के अंतिम दिन बीजेपी सदस्यता का लक्ष्य पार कर लिया है। 1,50,28,107 सदस्य बनाकर नया इतिहास रच दिया है। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बीजेपी के सदस्यता अभियान का तीसरा फेज में एमपी में सक्रिय सदस्यता शुरुआत की। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश के पहले सक्रिय सदस्य बनाया। सीएम हाउस में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सीएम की सक्रिय सदस्यता करवाई तो पार्टी ऑफिस में जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को सक्रिय सदस्य बनाया। अब शनिवार से पूरे प्रदेश में सक्रिय सदस्य बनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बता दें कि सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 प्राथमिक सदस्य बनाना आवश्यक है। पार्टी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश भाजपा सक्रिय सदस्यता में भी रिकॉर्ड बनाएगी। मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महापर्व पर सदस्यता के अभियान में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के साथ जो मेहनत और परिश्रम किया, 1,53,00,000 से ऊपर अभी भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य को क्रॉस किया है और आज भारतीय जनता पार्टी ने सक्रिय सदस्यता का अभियान अभी 16 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी को सक्रिय सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत की थी। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सक्रिय सदस्यता अभी जाकर के उनको सक्रिय सदस्य बनाया और अभी भोपाल की हमारी टीम ने सम्माननीय जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी, सदस्यता के हमारे प्रदेश के प्रभारी भगवान दास जी और पूरी टीम ने मिलकर के मुझे सक्रिय सदस्य बनाया, इसलिए मेरा ये सौभाग्य है और मैं आज सक्रिय सदस्य बनकर के इस अभियान की शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कल के दिन हर मंडल पर सभी कार्यकर्ता जिन्होंने 50 प्राथमिक सदस्य बनाए हैं, ऐसे कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी मिलकर के सक्रिय सदस्यता में भी हम मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड बनाएंगे और सभी कार्यकर्ता इस अभियान में जुट गए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी को और सबसे पहले तो जिलाध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि मैंने उन्हें अपना आवेदन दिया सक्रिय सदस्यता का और सक्रिय सदस्यता के आवेदन को उन्होंने स्वीकारोक्ति दी, इसलिए मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आगामी आने वाले समय में मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, सभी जिलाध्यक्ष, सभी मंडलाध्यक्ष, सभी हमारे पदाधिकारी सक्रिय सदस्यता के अभियान में कल जुटकर ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय सदस्य अपने कार्यकर्ता बने, यही सभी कार्यकर्ताओं से अपील है। और सभी मित्रों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं आज बधाई देता हूं कि उन्होंने सक्रिय सदस्य बन करके आज इसकी शुरुआत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।